हेलो एवरी वन असलम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इट्स मीमशा सो गाईस इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फर्स्ट एंड इफ यू आर रिटेनिंग सब्सक्राइबर्स सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज ओके जी सो गाइज आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ये वाला मेकअप लुक ठीक है जी तो विदाउट फर्दर डू एनी थिंग लेट्स गेट स्टार्ट दी डी यू सो so गाई सबसे पहले मैं अपने फेस को करूँगी प्राइम विद द डॉक्टर शेल का ये विटामिन सी का सीरम ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरा फेवरेट है आजकल अच्छा क्योंकि मेरी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है और ये जो है नॉन ग्रीसी है और ये नॉन ऑयली भी है मतलब ऑयली नहीं करता आपके स्किन को ज़रा सा भी बहुत अच्छा सा कैनवास प्रोवाइड कर देता है अगर आप ये लगा लेते तो आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है देन मैं अपने फेस को करेक्ट कर रही हूँ मतलब कि मुझे थोड़े से अंडर आई के नीचे थोड़ा सा डार्क सर्कल्स हो गए थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे तो मैं ये ग्लैमगल बाय महवूस साकिब का जो व्हील मतलब कहते हैं इसको ग्लैम नाइट पैलेट उसमें से ये न्यूट्रलाइजर का शेड यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं करेक्ट करूँगी जहाँ जहाँ मुझे डिसकलरेशन है और थोड़ी सी पिगमेंटेशन है मेरे फेस के ऊपर ठीक है जी तो लिप्स के अराउंड मोस्टली होती है ठीक है देन मैं आप पे मिस्ट्रोस का फोटो तो फिनिश प्राइमर यूज़ कर रही हूँ ये प्राइमर बहुत ज़्यादा अच्छा है आई डोंट नो अब ये अवेलेबल है या नहीं क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था ये मेरा मोस्टली ख़त्म होने वाला है ठीक है जी तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपके पोर्स को फिलअप कर देता है देन जो है मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लिक्विड हाइलाइटर ये ग्लैमरस फेस का लिक्विड हाइलाइटर है शेड सिल्वर मतलब इसमें जीरो टू नंबर है तो ये काफ़ी अच्छा है जब भी आप इसको यूज़ करो तो शेक करो ठीक है जी और फिर उसको अपने लगा लो पहले मैं सोची थी सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पे लगाऊंगी लेकिन फिर मैंने पूरे मुंह पे लगा लिया अच्छा ठीक है अगर आप इसको डेली बेसिस में यूज़ करो तो अपने मॉइस्चराइज़र में थोड़ा सा ऐड कर लो और उसको यूज़ कर लो दैन मैं यहाँ पे मिस्टर उसका फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैट फाउंडेशन इसमें मेरा शेड है बेज टू और ये फाउंडेशन फुल कवरेज है तो और बिल्डेबल भी है अगर आप इसको जितनी क्वान्टिटी लोगे उतनी कवरेज देगा ये आपको ठीक है जी तो मैं इसको जो है लगा रही हूँ अपने फेस पर डॉटेड फॉर्म में ठीक है और फिर जो है एक ब्रश से जो है मैं इसको अपने पूरे फेस पर जो है ना फैला लूँगी पहले तो ठीक थी, है जब आप एक ब्रश से अपने पूरे फेस पर फाउंडेशन फैला लेते हो ना तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी कवरेज देता है ठीक है और अच्छी तरीके से ये लग जाता है ठीक है और फिर इसको मैं इसी ब्रश से जो है ब्लेंड भी करूँगी लेकिन पहले मैं इसको लगा लूँ फेस पर पूरे और ये बेज टू बिल्कुल मेरी स्किन टोन का ही है मतलब ये काफ़ी मेरे मतलब मैच करता है मेरी स्किन को ठीक है जी तो फिर मैंने इसको अपने पूरे फेस पर इसी ब्रश से लगा लिया है नेक पर भी लगा लीगा तो डोंट यू योर नेक कभी भी मतलब हमेशा आपको लगाना है ताकि आपका पूरा फेस और नेक बिल्कुल सेम सेम लगे और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार थम्स अप लाइक कर दो जो नीचे लाइक का बटन बना है एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल बिलो ठीक है और फिर यहाँ पर मैं जो हूँ कंसीलर लगा रही हूँ मिस का ही और इसमें मेरा शेड है आइवरी सिक्स ठीक है जी तो आइवरी सिक्स आपकी जो अंडर टोन है ना उससे लाइट होता है मतलब ये थोड़ा सा पिंक अंडर टोन पर है तो ये हाइलाइटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है ठीक है जी तो फिर मैं उसको अपने सारे हाईलाइटेड एरियाज़ पे लगा रही हूँ और ये भी फुल कवरेज है और ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे इसके अलावा अब तक कोई भी कंसीलर इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया एक तो अफोर्डेबल भी है दूसरा के बहुत क्रीमी टेक्सचर का है और लॉन्ग लास्टिंग भी है ठीक है जी तो फिर जो है मैं इसको लगाऊंगी अपने पूरे फेस पर पूरे फेस पर तो नहीं मतलब जहाँ जहाँ मैंने लगाया है तो ब्यूटी आमना के ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ठीक है जी और जो है ब्यूटी पार्लर पार आमला का जो ब्लेंडर है वो काफ़ी अच्छा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ठीक है और जो है मैं यहाँ पे निक्स की जो है ये कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ इसकी एक साइड पे कॉन्टो स्टिक होती है दूसरी साइड पे हाइलाइटिंग कंसीलर सॉर्ट ऑफ अ थिंग होती है तो मतलब वो आप हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो तो मैंने जो है इसको कंट्रोलिंग करना है अपने फेस की ठीक है तो नोज़ भी कॉन्ट्रोल कर ली मैंने जॉ लाइन वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर ली है ठीक है जी तो अगर आपको दिल चाहता है कॉन्टोरिंग करने का तो आप करो वरना मर्ज़ी है आपकी तो ये ब्यूटीफाई आमना का ब्लेंडर में यूज़ कर रही हूँ उसको डैबिंग मोशन में जो है और सर्कुलर मोशन में मैं ब्लेंड करूँगी इससे ठीक है कॉन्टोरिंग और ठीक है जी बस यही कर रही हूँ मैं <laughs> कॉन्टोरिंग को ब्लेंड कर रही हूँ मैं तो यार अच्छा मुझे कमेंट करके ज़रूर ये बताना आप लोग के कैसा मौसम है आप लोगों की तरफ का <laughs> यहाँ तो यार बहुत गर्मी है तबाही की गर्मी मची हुई है और मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि कौन सी वीडियो देखना चाहते हो नेक्स्ट ठीक है तो मैं फिर वही वीडियो बनाऊंगी ठीक है जी तो यहाँ पे मेरा कॉन्टोरिंग होता है डन एंड फिर उसके बैक साइड पे जो हाईलाइटिंग का शेड है उससे जो है मैं अपनी अंडर आई को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी ताकि थोड़ी सी पॉमनेंट लगे ठीक है जी तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ और उसी ब्लेंडर से जो है मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी काफ़ी अच्छी तरीके से ये ब्लेंड कर देता है मतलब आ गया ठीक है जी तो यहाँ पे मैं फेस को सेट करने के लिए फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसमें मेरा शेड है वन ट्वेंटी एट ठीक है जी तो ये नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा है लेकिन ऑयली स्किन के लिए मैं भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ तो मैं इसको जो है इसलिए इस तरह से यूज़ कर रही हूँ तो ज़्यादा ज़्यादा लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर को क्योंकि इतनी गर्मी है तो आपका जो फाउंडेशन और आपका जो मेकअप है वो क्रीज ना करे तो मैं उसको अच्छी तरीके से प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेके जिस टाइप से हम लोग बेकिंग मतलब नहीं करते लेकिन मैं अब ज़्यादा बेकिंग नहीं करती क्योंकि मेरी है ड्राई स्किन तो बेकिंग करके मेरा फेस बहुत ज़्यादा केकी लगता है तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से ही कर लेती हूँ देन मैं यहाँ पे कलर से ट्यूट का ये ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ ठीक है काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है तो काफ़ी हौला हाथ रखना है लेकिन ये ब्लैंड अच्छी तरीके से हो जाता है और ये ब्राउन्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर देता है तो हम अपनी जो कॉन्डोरिंग की है हमने उसको पाउडर से भी लॉक करना होता है तो मैं यहाँ पर पाउडर कॉन्डोरिंग से उसको सेट कर रही हूँ ठीक है ब्रश की मदद मतलब से ये ग्लैमरस फेस का ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सॉफ्ट है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है यार मतलब तकरीबन मेरे पास दस साल तो पुराना है ये कम से कम ठीक है जिसके बाद में जो हूँ मिस रोज़ का पैलेट यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पैलेट ठीक है तो इसके अंदर ही यहाँ पे हमें दो पोमेट देते हैं ये लोग दो पोमेट बोलिए दो पाउडर शेड देते हैं और एक पोमेट देते हैं ठीक है तो ये एंगल ब्रश है आईब्रो ब्रश उससे जो है मैं अपनी आईब्रोज बनाऊँगी तो यार एज़ यू नो कि मैं अपनी आईब्रोज को बहुत ज़्यादा ही नेचुरली रखती हूँ बस फिलअप करती हूँ क्योंकि पता नहीं कि मुझे इतनी ज़्यादा डार्क ना पसंद नहीं है हालांकि करनी चाहिए लेकिन बस मैं फिल करती हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही मैं अजीब सी लग रही होती हूँ इस वजह से शायद लेकिन आप लोग तो मुझे बताना कि मैं डार्क आईब्रो बनाया करूँ या लाइट ही सही है ठीक है तो मैंने इससे अपनी पूरी आईब्रोज बना ली हैं देन जो है मैं फेस का यहाँ पर आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ इसमें से ये जो लाइटर ब्राउन शेड है वो मैं जो हूँ अपनी क्रीज में लगाऊँगी ताकि थोड़ी सी डेफिनेशन मिल जाए मेरी क्रीज को ठीक है जी तो हमें हाँ क्रीज का जो कलर है उसको बस लाइटर रखना है क्योंकि हम जो अपने लिट पर कलर लगाएंगे वो होगा डार्क ठीक है तो लिट को काफ़ी थोड़ा सा हमें पॉमिनेंट दिखाना है अपनी और फिर मैंने जो है एक ब्लू शेड लेना है उसको जो है अपनी लेट पर लगा लेना है और फिर जो है इसको ब्लेंड कर देना है इसकी एजिस को ठीक है जी तो मैं अभी जो मैट शेड मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू यूज़ किया है तो मैंने उसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करी है बस थोड़ी सी यूज़ करी है और उसको ही मैं ब्लेंड करी हूँ देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा शिमर शेड स्काई ब्लू कलर का यूज़ करी हूँ फिंगर से मिटैलिक शेड है ये तो उसको मैंने उस शेड के ऊपर लगा लिया है और देखें कितना अच्छा सा स्काई ब्लू कलर का शेड यहाँ पर इन्हेंस हुआ है ठीक है जी तो मेटालिक शेड से ना थोड़ा सा आ जाती है जान आपके शेडो में तो आप इसी तरीके से कर लिया करो ठीक है फिर उसके भी एजेस को मैं ब्लेंड कर लूँगी ठीक है तो फिर मैं यहाँ पे एक सीलर यूज़ कर रही हूँ मतलब जो ग्लिटर सीलर होता है वो यूज़ कर रही हूँ ठीक है तो ये मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था बहुत ही अच्छा है ये मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लिटर अप्लाई कर देता है तो मैं बस ये मिड मिड में लगा रही हूँ क्योंकि मैं जो हूँ ग्लिटर जो है सिर्फ मिड में लगाऊँगी ठीक है तो फिर ग्लिटर के लिए मैं यहाँ पे मिस रोज का पैलेट यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर पैलेट है इसमें से स्काई ब्लू कलर का जो ग्लिटर है वो मैं अपनी फिंगर की मदद से लगाऊंगी सिर्फ अपनी मिड लिट पर मतलब आधी लिट पर लगाऊंगी और बीच में ठीक है ताकि ये बिल्कुल ही सामने ग्लिटरी ग्लिटरी लगे ठीक है फिर मैं जो हूँ दोबारा से एक ब्राउन शेड लिया है मैंने और उसको अपनी क्रीज से थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ अपने शेड्स को सारे आपस में ताकि ऐसा ना लगे कि कोई ब्लेंड नहीं हुआ और अजीब सा लग रहा है गंदा गंदा ठीक है जी तो इस तरीके से फिर मैं यहाँ पे बॉब का लाइनर यूज़ कर रही हूँ ये डिप लाइनर है और जो है मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा विंग लाइनर यहाँ पर अप्लाई करूँगी तो अच्छा आप लोग जब ग्लिटर यूज़ किया करो तो कोशिश किया करो कि डिप लाइनर ही यूज़ करो क्योंकि अगर आप जेल लाइनर यूज़ करोगे तो वो आपका जो ग्लीटर है ना वो हट जाएगा और वो ग्लिटर पे सही से लगता भी नहीं है ठीक है जी तो आप कोशिश किया करो कि डिप लाइनर या जो वो लिक्विड वाले लाइनर होते हैं ना जो केक लाइनर कहते हैं जी वो वाला यूज़ कर सकते हो आप उसके ऊपर ठीक है जी तो मतलब बहुत ज़्यादा आराम से हमें लाइनर लगाना है कि हमारे ग्लीटर झीले नहीं ठीक है जी क्योंकि लाइनर लगाने से ग्लिटर ख़राब हो जाते हैं फिर जो है हमने लाइनर लगा लेना है अपने मैंने थोड़ा सा विंग क्रिएट किया है उसके ऊपर एंड देट सेट ठीक है जी और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो डू लाइक प्लीज़ कीप सपोर्ट मी जिस तरीके से आप लोग करते हैं तो लाइक करके मुझे बताओ ताकि मुझे पता चले आए कि आपको वीडियो पसंद आई है मेरी ठीक है जी तो विंग को थोड़ा सा और शार्प करूँगी मैं ताकि जब मैं अपनी लैशेस लगाऊँ तो आईज थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगें दिन ये जो पिंक है मैं पिंक शेड जो है मैं इसको अपने नीचे वाले क्या कहते हैं लोअर लैश लाइन पर यस वहाँ पर लगाऊँगी लोअर लैश लाइन पर थोड़ा सा कॉम्बो था अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो वरना इट्स टोटली अप टू यू आप कोई भी दूसरा कलर लगा सकते हो फिर इसमें जो ये पर्पल पिंक सोटाफा कलर है ग्लिटर का मैं इसको जो हमने टिया डक को हाईलाइट करूँगी देखें आप कितना अच्छा ये लग रहा है ये ग्लिटर ही है और बड़े हौला हाथ रखना है ऐसा ना हो कि आपकी आइस में चले जाएँ ठीक है जी देन मैं यहाँ पे कोलोसल काजल यूज़ कर रही हूँ बाय मे ये काजल मेरा फेवरेट फेवरेट है मतलब अभी तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि यार ये इतना अच्छा है स्मर्च प्रूफ काजल है बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे देन मैं मिस रोज़ का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ देन इसमें से जो मे सारे कलर्स हैं ना ये सारे मिक्स कर कर दो तीन कलर मिक्स कर कर एक कलर बनाऊंगी देन ये कलर इतना अच्छा पीची और पिंक टाइप का बन जाएगा कलर ठीक है जी तो मैं अपने लगाऊंगी वो ब्लश ऑन यस ओबियसली ब्लश ऑन ही लगाना है ठीक <laughs> है जी तो ब्लश ऑन लगाऊंगी मैं यहाँ पे अपने फेस पर तो मैं देखें ब्लश ऑन बिल्कुल अपनी नोज़ के पास से ही लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा टेंट वाला इफेक्ट आए जिस तरीके से हम लोग टेंट लगाते हैं ठीक है जी बाकी आपके ऊपर है आप जो सिर्फ कहीं पर भी लगा सकते हो कहीं पर भी क्या मतलब चिक्स पे लगाओगे <laughs> देन मैं यहाँ पर मिसरोज़ के लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ये मैट लिपस्टिक्स हैं और इसमें शेयर पता नहीं शेड मेंशन नहीं था इस पर नंबर था ये ज़ीरो फाइव नंबर था मे बी यस तो वो वाला जो शेड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ ये न्यूट शेड है तो ये थोड़ा सा मतलब कि पिंक भी नहीं है ये पर्पल टाइप का भी नहीं है बहुत अच्छा सा कलर है वो यूज़ कर रही हूँ मैं ठीक है देन यहाँ पे मैं नस्ट ताज़िया हील का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने हाईलाइटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी ताकि अच्छा लगे अच्छा वैसे ये वाला जो हाइलाइटर है डे लाइट में भी अच्छा लगता है और नाइट लाइट में भी बहुत अच्छा लगता है ठीक है जी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है लाइक करना है कमेंट करना है सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और यार लैशेस मैंने ऑफ़ कैमरा ही लगा ली थी ठीक है जी सो अल्लाह हाफि